डिस्प्ले नजर आ रही है ना सबको डिस्प्ले। ओके लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट है, ये इंसर्ट में जाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लैक वेरिएबल क्या होता है। स्लैक वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो स्लैक वेरिएबल क्या होता है, तो जैसे कि मैंने जब पढ़ाया था सबसे पहले ओआर, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था जब इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में इनइक्वालिटी होती है, अगर जो हमारे कांस्टेंट लिखे थे हमने, ठीक है, जो भी कांस्टेंट लिखे थे उन कांस्टेंट्स में इनइक्वालिटी जब होती है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं ये होता क्या है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये, ठीक है। तो स्लैक वेरिएबल क्या है, सबसे पहले ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल एडेड टू द LHS साइड, है ना, लेफ्ट हैंड में करते हैं इसको ऐड, ये एडमिट कर लेता हूँ मैं एक बार। वेरिएबल एडेड टू द LHS टू रिमूव इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए हम LHS साइड में इसको ऐड करते हैं, स्लैक वेरिएबल होता है ये, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो हमारे पास ऐसे इक्वेशन है 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3, और ये कब ऐड होगा, तो एक ही सिचुएशन में होता है जब ये वाली वैल्यूज क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू होंगी सारी, ठीक है। तो ये केवल जब ही होते हैं सिलेक्ट वेरिएबल ऐड जब लेस देन इक्वल टू होती है वैल्यूज। अब ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन है इसको हमें इक्वल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसी को कहते हैं रिमूविंग ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को रिमूव करके हम क्या बना रहे हैं, इसको इक्वल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3। अब यहाँ पर ये क्या था, लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें हम स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा s, ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वल का साइन। तो आप देख सकते हो ये लेस देन इक्वल टू से इक्वल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इसी को कहते हैं स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल किस लिए यूज होता है, रिमूव करने के लिए इनइक्वालिटी को, ठीक है। और कौन सी सिचुएशन के लिए, जब इक्वेशन हमारी लेस देन इक्वल टू में होती है, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू को रिमूव करके हमने क्या बना दिया, इक्वल टू बना दिया, ठीक है। तो पहली बात मैंने बताई कि इसको हम LHS में ऐड करते हैं इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये हमेशा कैसा होगा, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव इसका क्या मतलब है, दैट इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी इन केस ऑफ लेस देन इक्वल टू में, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिकली अगर बात करें, है ना, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में स्लैक वेरिएबल जो होता है, स्लैक वेरिएबल रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द अनयूज्ड कैपेसिटी, ठीक है, अनयूज्ड कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी, कंस्टेंट की, अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ द कंस्टेंट्स, ठीक है।
तो ये अपने को याद रखना है कि क्या, एक बारी में ठीक है, तो अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ कंस्टेंट, सिलेक वेरिएबल का काम होता है रिप्रेजेंट करना किसको, अनयूज्ड कैपेसिटी ऑफ कंस्टेंट। जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 टोटल कंस्टेंट था, ठीक है, अब 10 में से हम यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का निशान लगा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हो सकता है कि हम कम यूटिलाइज कर पा रहे हों, तो हमने क्या करा एस को ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हमने मान लिया कि जो हमारे पास बच रहा है कंस्टेंट वो हमने एस यूज़ कर लिया उसको, ठीक है। तो ये सिलेक्ट वेरिएबल के बारे में था सब कुछ। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, तो सिलेक्ट वेरिएबल का एकदम अपोजिट होता है सरप्लस वेरिएबल। इस उसको क्या कर रहे थे हम, इसको हमने क्या करा, इसको हमने ऐड करा है, ठीक है, एलएचएस साइड में, और इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे एलएचएस से, ठीक है, इसको अपन माइनस करेंगे। सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलएचएस टू रिमूव इनइक्वालिटी फ्रॉम द कंस्टेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कौन सी इक्वेशन में करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन में करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया जो सिलेक्ट वेरिएबल होता है वो ऐड किया जाता है किस इक्वेशन में, जब लेस देन इक्वल टू का केस होता है हमारे पास, ठीक है। और इसको कब करेंगे, इट इज सब्सट्रैक्टेड इन केस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्टेंट्स। तो हमारे पास जब ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्टेंट्स होंगे हम इसको तब माइनस करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, पिछला वाला ही ले लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर तो हमने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया था, ठीक है, अब यहाँ पर हमको ऐसे दे रखा है 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3 और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, ठीक है, 10। तो ये वाला साइन किसका है, ये वाला साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दे रखा है, इसको रिमूव करना है, टू रिमूव दिस, है ना, और वी कैन से टू मेक दिस इक्वल साइन। तो इसको इक्वल साइन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को सिलेक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 2x1 प्लस में 3x2 प्लस में 5x3 यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम सिलेक वेरिएबल को, और ये हो जाएगा फिर इक्वल टू में कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये हो गया हमारा इक्वल टू में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, सरप्लस वेरिएबल का, ठीक है। तो यानी ये कब यूज़ होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केस में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब इस जो हमारी इक्वेशंस होती है, जो भी हमारा केस है मान लो एलपीपी के अंदर, उसके अंदर कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, देखो। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन। अब जैसे कोई भी हमारे पास इक्वेशन है ना, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 10 दे रखा है मान लो। अब इसके अंदर हमको एक ही इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, या दो इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी है, एक एक, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते पहली बात तो, ठीक है, इसके अंदर हमें लेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर हम दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं एग्जैक्ट x और y की, ठीक है।
मेथड लगा के कोई सा भी सब्सटीट्यूशन वगैरह करके हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि x और y की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, तो x एंड y की वैल्यू अगर हम देखें, जैसे हमारे पास मान लो ये इक्वेशन होती नहीं, तो हम क्या करते x और y की वैल्यू पुट करते, तो हम लेट करते किसी ना किसी को, ठीक है, लेट करते x को, है ना, तो x और y, या तो हम x को लेट कर लेते या y को लेट कर लेते, ठीक है, या x को लेट करते या y को लेट करते। तो यहाँ पर x को लेट करें या y को लेट करें, अगर हम कुछ भी मान लें तब भी तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा, है ना, कैसे भी तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। यानी कि अगर हम इसको चाहे नेगेटिव लेट कर लें चाहे हम पॉजिटिव लेट कर लें तब भी हमारे पास y का सॉल्यूशन आ ही जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन वो होता है विच सेटिस्फाइज ऑल द कंस्टेंट्स, जितने भी कंस्टेंट हैं सबको सेटिस्फाई कर जाए, मतलब हमारे को इक्वल टू में क्या, इक्वल में क्या आना चाहिए, 10, तो 10 आना चाहिए। अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है, हम देखो तो y की वैल्यू निकाल ही देंगे। अब जैसे इसमें बात करते हैं, माइनस टू रख देता हूँ मैं, है ना, x को मान लिया माइनस टू रख देता हूँ, तो यहाँ पर 2 - 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू, ये 2 - 2 = 4 हो गया, ठीक है, 4 जाके उधर प्लस हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 14/3। ये देखो हमने चाहे माइनस में पुट कर ली तब भी हमारे पास y की वैल्यू आ गई, अगर हम इसको ही पुट करता प्लस में तो यहाँ पर क्या होता, 2 - 2 = 4 प्लस में 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता तो y की वैल्यू क्या आ जाती मेरे पास, 6/3 यानी कि 2 आ जाती। यहाँ पर ये भी y की वैल्यू है, ये भी y की वैल्यू है, दैट मीन्स ये दोनों ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यानी सॉल्यूशन तो हर वो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए किसको, कंस्टेंट को, हर वो चीज़ क्या होती है, सॉल्यूशन होती है, पहली बात तो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज फीजिबल सॉल्यूशन। तो फीजिबल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन तो हम जान गए क्या होता है, तो अ सॉल्यूशन विच इज नॉन नेगेटिव, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जो क्या है, पॉजिटिव है यानी कि नॉन नेगेटिव है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, कोई ऐड होना चाह रहा है क्या, ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन नेगेटिव है दैट मींस पॉजिटिव है उसको कहते हैं फीजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। आवाज कम आ रही है भाई, ईयरफोन वगैरह लगा लो, माइक तो नहीं मेरे पास अभी, लैपटॉप का ही माइक है ये, और बाकियों को भी कम आ रही है क्या, या वरुण भाई को ही कम आ रही है, एक बारी थम्स अप कर दो अगर सही आ रही तो। ओके, तो देखो एक ऐसा सॉल्यूशन मैंने बताया सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन हर वो चीज़ है, हर वो वैल्यू है जो किसी भी कंस्टेंट को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, यानी इट कैन बी नेगेटिव इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है, दोनों ही क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी फीजिबल सॉल्यूशन की, तो फीजिबल सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव सॉल्यूशन, यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज विच सेटिस्फाइज द कंस्टेंट, ठीक है, तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज जो कंस्टेंट को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, वो हमारी फीजिबल सॉल्यूशन होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि अभी मैं अगर ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 2x1 प्लस में 3x2, इसको रफ कर दें,
देखो, टू एक्स वन प्लस में थ्री एक्स टू प्लस में फाइव एक्स थ्री, यही इक्वेशन थी हमारी, है ना। इसको इक्वल टू में मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू है टेन, ठीक है। ऐसे हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो थ्री एक्स वन प्लस में फोर एक्स टू प्लस में सेवन एक्स थ्री, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 15। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास वेरिएबल कितने, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर बात करें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर थ्री, बट नंबर ऑफ इक्वेशंस की बात करें, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, तो दो हैं केवल। तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? नहीं हो सकता सॉल्व, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जब भी आ सकती है जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है हमारा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, वी एक बार रख कर दें, वी हैव टू लेट वन वेरिएबल जीरो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को जीरो मानना पड़ेगा, समझ गए। तो इसी को कहते हैं अपन बेसिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ, जब हमारी नंबर ऑफ वेरिएबल्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस होता है तो उस केस में हमें वेरिएबल्स को जीरो मानना पड़ता है। इस केस में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को जीरो मानेंगे, तब जाके हम आगे सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, इसमें हमें जीरो मानना पड़ता है इस काइंड के सॉल्यूशन को। देन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देन दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन टू बी बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या देखा, यहां से शुरू करें क्या, ठीक है। हमने सबसे पहले देखा कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हर वो चीज़ है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो वैल्यू को मतलब जो कंस्टेंट की इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने समझा कि नहीं, अरे कौन है भैया, कर लेते हैं, ओके एडमिट, ठीक है। देखो तो सॉल्यूशन हर वो वैल्यू होती है, चाहे वो नॉन नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है। सॉल्यूशन हर वो वैल्यू होती है जो सेटिस्फाई करती है। लेकिन फिर हमने देखा कि फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, तो फिजिबल सॉल्यूशन वो वैल्यू है जो क्या है, पॉजिटिव है। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेसिक सॉल्यूशन मैंने बताया जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि हमारी जो इक्वेशंस है और जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वेरिएबल्स को लेट करना पड़ता है जीरो। जैसे कि हमारे इस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीन थे और नंबर ऑफ इक्वेशन दो थी, तो हमने एक वेरिएबल को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। तो इस तरह अगर हम मान के कर रहे हैं सॉल्व आगे, तो इस तरह से जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या था, जीरो मान के करा, ठीक है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या था, पॉजिटिव, यानी कि जो अ सॉल्यूशन विच इज, एक ऐसा सॉल्यूशन विच इज बेसिक एज वेल एज फिजिबल, यानी कि बेसिक भी और फिजिबल भी है। बेसिक का मतलब, जैसे बेसिक का मतलब मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन होता है जब हमें जीरो लेट करना पड़ता है किसी चीज़ को, ठीक है। नंबर ऑफ जो हमारी इक्वेशंस होती है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर नहीं होती, तो जीरो लेट करके करते हैं हम सॉल्व। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन आएगा वो बेसिक सॉल्यूशन है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, तो पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव भी है साथ में बेसिक भी है, उस सॉल्यूशन को कहेंगे अपन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं
आगे चलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन, देखो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो बेसिकली बेसिक भी है, फिजिबल भी है, और साथ ही साथ जो जेड की वैल्यू है, यानी कि जैसे हमारे दो केसेस होते हैं, ठीक है, एक तो मैक्सिमाइज करने वाला केस है, जेड की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, दूसरा केस हमारे पास मिनिमाइज करने वाला केस है, ठीक है, एक मैक्सिमाइज वाला एक मिनिमाइज वाला केस है, ठीक है, तो इस दोनों की वैल्यूज क्या आनी चाहिए? मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यूज, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन विच शुड बी बेसिक एज वेल एज फीजिबल, बेसिक भी हो फीजिबल भी हो, एंड ऑल्सो गिविंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, है ना, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ऐसे सॉल्यूशन जिससे हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही हो और साथ में वो बेसिक और फिजिबल सॉल्यूशन भी हो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सभी प्रकार का बता दिया, ठीक है, कि सॉल्यूशन कितनी तरह के होते हैं। अब हम आगे चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट, शैडो प्राइस। ठीक है, व्हाट इज शैडो प्राइस? तो शैडो प्राइस पूछा जाता है पेपर में, क्वेश्चन में, क्वेश्चन के साथ आ जाता है। ठीक है, शैडो प्राइस, देखो शैडो प्राइस क्या होता है, जैसे कि जो हमारी फाइनल टेबल है, ठीक है, मान लो फाइनल टेबल है हमारी, या कोई सी भी टेबल है, फाइनल टेबल हो या कोई सी भी टेबल हो, उसके अंदर हम एक रो बनाते हैं सीजे माइनस जेड जे वाली। ठीक है, सीजे माइनस जेड जे वाली जो रो होती है, समझ गए, जब उसके अंदर हम देखेंगे, उसके अंदर जो वैल्यूज आती है, जैसे कि मान लो हमारे पास ऐसे वैल्यूज है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल थे x1 x2, ठीक है, s1 s2, अब यहाँ पर ऐसे वैल्यूज हैं 0 -2 -3 5/2, ऐसे करके मान लो, ठीक है, तो जो इनके अंदर वैल्यूज आ रही है ना, ये जो वैल्यूज है, यही हमारे क्या होते हैं, शैडो प्राइजेस होते हैं, शैडो प्राइजेस, समझ गए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, आप लोगों से, क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, अगर हम मान लो ये केस हमारा था मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन का केस था जेड को, तो हमें, मैंने बताया था तुम्हें जब पढ़ा था हमने, ठीक है, सिंप्लेक्स से कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो उस समय बताया था कि कब होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन अराइव या अचीव, कब होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, जब हमारी जो सी जे माइनस जेड जे की रो है, ठीक है, ये पूरी कैसी हो जाए, इधर जीरो हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तब होता है। तो ये ऑप्टिमम तो है सॉल्यूशन, नहीं है ऑप्टिमम नहीं है, इसको भी नेगेटिव कर देते हैं, हटाओ, ठीक है, तो अब तो है ऑप्टिमम। तो यहाँ पर शैडो प्राइजेस क्या होते हैं, तो शैडो प्राइजेस ये सारी वैल्यूज होते हैं जो वैल्यूज आ रहे हैं। शैडो प्राइजेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो देखो, यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स का लेते हैं शैडो प्राइज हमेशा, ठीक है, जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनके शैडो प्राइज कंसिडर किए जाते हैं, इन दोनों के नहीं, ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स के शैडो प्राइज कंसिडर करने हैं अपने को, यानी कि सी जे माइनस जेड जो रो में जो स्लैक वेरिएबल्स के नीचे की वैल्यू है, ठीक है, इसको कहते हैं शैडो प्राइस। अब इसके अंदर क्या है, शैडो प्राइस की एग्जिस्टेंस, या पहले बात करते हैं शैडो प्राइस की डेफिनेशन लिख देते हैं एक छोटी सी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्लैक वेरिएबल्स इन फाइनल टेबल, फाइनल टेबल
अगर मान लो फाइनल टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स जैसे कि फाइनल टेबल में यहाँ पर एस वन एस टू ऐसा करके होता है ना, तो एक्स वन है यहाँ पर एस टू है, ऐसे ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या पता चल रहा है हमें, इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द रिसोर्सिस हैव नॉट बीन फुली यूटिलाइज्ड। अगर मान लो हमारे पास स्लैक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिसोर्स को हम पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास अगर स्लैक वेरिएबल आ जाए कोई, तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और अगर नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस, अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास एस टू था जैसे, ठीक है, तो यहाँ पर एस टू नहीं होकर एक्स वन या एक्स टू ही होता, ठीक है, तो हम कहते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्लैक वेरिएबल्स इन फाइनल टेबल इंडिकेट्स द रिसोर्सिस हैव बीन फुली यूटिलाइज्ड, मतलब रिसोर्स को हमने पूरे तरह से यूटिलाइज करा है, फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है, ये मतलब होता है शैडो प्राइस का। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर क्या मतलब है, तो यहाँ पर अगर हम देखें एस वन के नीचे क्या वैल्यू है, थ्री, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एस वन का जो शैडो प्राइस है, ठीक है, एस वन के लिए शैडो प्राइस है जो हमारा शैडो प्राइस, ठीक है, वो हमारा क्या है, थ्री है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था जब कंडीशन पढ़ाई थी, ठीक है, जब मैंने कंडीशन पढ़ाई थी उस समय मैंने बताया था कि चाहे कोई सी वैल्यू, हम यहाँ पर एक कंडीशन लेके चलते हैं, वो है नॉन नेगेटिविटी, यानी कि कोई भी आंसर नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव में नहीं है, यानी सारे आंसर पॉजिटिव में ही है, तो ये वैल्यू चाहे बेशक नेगेटिव में है, हम इसको पॉजिटिव ही मानेंगे, ठीक है। तो शैडो प्राइस हमारा यहाँ पर क्या है, थ्री है। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक घंटा और दिया जाए, ठीक है, अगर मान लो ये आवर्स में था हमारे पास, मैन आवर्स थे, तो हम कहते कि अगर एक आर और लगा दें इधर, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो तीन यूनिट है वो प्रॉफिट बढ़ सकता है हमारा, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। यानी कि अगर इसको हम प्राइस में बात करें, तो अगर वो कहता है कि एक आर और लगा रहे हैं और इससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस एक आर के लिए हमें कितना रुपये पे करने चाहिए, मैक्सिमम तीन रुपये, मैक्सिमम पेमेंट शुड बी थ्री, ठीक है, शुड बी थ्री। यानी कि अगर वो कह दे कि हमने क्या करा, इस वाले में से हटाकर, ठीक है, इस वाले में से हटाकर अगर लेबर को हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, दूसरे कंस्टेंट में डिप्लॉय कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि हमने चेयर और टेबल वाला एक क्वेश्चन करा था, तो अगर चेयर पे से हटाकर हमने टेबल बनाने लगा दिया किसी को, ठीक है, एक घंटा एक्स्ट्रा टेबल बनवा ली या एक घंटा एक्स्ट्रा चेयर ही बनवा ली मान लो, तो हमें कितने रुपए पे करने चाहिए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाए, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम कितने रुपए पे करने चाहिए, तो वही शैडो प्राइस बताता है। तो यानी यहाँ पर हमें तीन रुपए से ज़्यादा पे नहीं करने, और इसके लिए क्या है, तो इसके लिए माइनस फाइव बाई टू है शैडो प्राइस, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंस्टेंट इससे हमको मार्जिनल प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है कंस्टेंट की। यानी कि अगर हम एक एडिशनल यूनिट लगा दें, जैसे यहाँ पर आर में थे कंस्टेंट, ठीक है, तो एक अतिरिक्त अगर आर इसके अंदर डिप्लॉय कर दें, तो हमको कितने रुपए देने चाहिए, ठीक है, उस एक घंटे के लिए एक्स्ट्रा, तो अगर वो तीन रुपये से कम है, ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, तो अगर तीन रुपये से कम है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैक्सिमम कितने पे कर सकते हैं, तो तीन ही पे कर सकते हैं, शैडो प्राइस इज थ्री, तीन से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये होता है हमारा शैडो प्राइस। क्वेश्चन करेंगे अभी, एक सब पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, शैडो प्राइस वगैरह पे क्वेश्चन करेंगे। तो अब बात करते हैं, टाई हो जाए जब, ठीक है, टाई फॉर द एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है,
जैसे कि हमारा जो एंटरिंग वेरिएबल होता है वो कहाँ से चुनते हैं हम, वो हम चुनते हैं जैसे कि हमारी सी जे माइनस जेड जे जो रो होती है, ठीक है। अब सी जे माइनस जेड जे रो में हमने मान लो इधर 10 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा एक्स वन है, ये हमारा एक्स टू है, और ये हमारा एस वन है, ये हमारा एस थ्री है, ठीक है, ऐसे करके मान लो इधर 10 आ रहा है और इधर भी 10 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा बेसिकली, अब इस केस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये दोनों क्या है, सेम है, यानी कि इसको कहते हैं टाई, ठीक है, यहाँ पर टाई हो गया इन दोनों वैल्यूज के बीच में। हमें क्या चुनना पड़ता है यहाँ पर, है ना, वी हैव टू सिलेक्ट मैक्सिमम नॉन नेगेटिव, हमें यहाँ से हमें क्या चुनना पड़ता है, नॉन नेगेटिव चुनना पड़ता है, वो भी मैक्सिमम वैल्यू का। अब लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो दो वैल्यूज है मैक्सिमम, ठीक है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, वी कैन चूज एनी वन, किसी को भी चूज कर लो, एनी वन, ठीक है, यानी कि जब हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे की कॉलम, ठीक है, वो किसी को भी चुन सकते हैं, तो वी कैन चूज एनी वन, इट विल गिव एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और इससे ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको चुनते हो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो जब दो वैल्यू सेम होगी, ठीक है, यानी कि नॉन बेसिक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक वेरिएबल तो ये हो गए हमारे, नॉन बेसिक वेरिएबल की बात करें तो उन दोनों में क्या है, अगर दोनों में टाई हो गया, ठीक है, सी जे माइनस जेड जे वाली रो में टाई हो गया, तो उस केस में हम किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एनी वैल्यू एंड सॉल्व द क्वेश्चन, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करो और सॉल्व करते चले जाओ क्वेश्चन को, ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्टिमम आएगा इससे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं करनी। अब बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली सी जे माइनस जेड जे रो की, ठीक है, अब बात करते हैं कि टाई हो जाए जब हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल के लिए, ये तो एंटरिंग वेरिएबल की बात कर रहे थे कि जो एंटर करेगा उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, कौन एंटर करेगा इधर, तो उसके लिए हमारे को चुनना पड़ता है यहाँ से, तो उस केस में क्या करेंगे, किसी को भी चुन लेंगे। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाई फॉर द डिपार्टिंग वेरिएबल, डिपार्टिंग वेरिएबल मैंने बताया था, एक होता है जो हमारा छोड़ के चला जाता है इस स्थान को, यहाँ पर जो होती है वैल्यूज, ठीक है, जो बेसिक वेरिएबल होते हैं जैसे कि एस वन एस टू ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पर हमने ऐसे करके ले लिया मान लो एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू, ठीक है, और इनके कोफिशेंट होते हैं फिर इधर 10 15, ठीक है, इसको इधर 0 0, और इसके इधर भी इसका सॉल्यूशन इधर लिखते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका मान लो जो भी था पहले इक्वेशन का, ठीक है, तो इसका 10 था, इसका मान लो 20 था, और इसके इधर कोफिशेंट 0 0, ठीक है। तो इस केस में क्या है, डिपार्टिंग वेरिएबल कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, डिपार्टिंग वेरिएबल यहाँ एक रेशियो का कॉलम बनाते हैं। अब रेशियो का कॉलम में मान लो हमारी दो वैल्यूज एकदम मैच हो गई, ठीक है, मान लो इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, तो इस केस में भी वी कैन चूज एनी वन, ठीक है, वी कैन चूज एनी वन, अब किसी को भी चुन लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, वी कैन चूज एनी वन, ठीक है, तो हम किसी को भी चुन के आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि मैं इसको अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, शब्दों में लिख दूँ जरा, तो क्या मतलब हुआ इसका, हाँ, इस केस को डी जनरेसी भी कहते हैं, अभी डी जनरेसी किस केस में कहते हैं बताऊँगा, ठीक है, यही डी जनरेसी का केस है, तो यानी व्हेन टू और मोर क्वेश्चंस इन द रेशियो कॉलम, ठीक है, जो रेशियो का कॉलम है वहां पर दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो जाए, टाई हो जाए, आर टाइड,
फोर बीइंग द स्मॉलेस्ट, यहाँ पर हमें पता है क्राइटेरिया क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्राइटेरिया होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव कह लो या पॉजिटिव कह लो, ठीक है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव चुनना पड़ता है, दैट इज पॉजिटिव, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चुनना पड़ता है हमें यहाँ पर, ठीक है। फोर बीइंग द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, यानी कि दो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं या दो से ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव के लिए। तो उसमें क्या करेंगे हम, वी में चूज एनी वन, वी में चूज एनी वन, ठीक है, किसी को भी चूज करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लो हमने एक को चुन लिया, जैसे हमने इस पे मार दिया एरो, ठीक है, अब इस पे एरो लगाने का मतलब है इसको हमने चूज कर लिया। तो क्या होगा जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो सिचुएशन आएगी, ठीक है, वो ऐसी आएगी जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक जगह ना जीरो आएगा, ठीक है, हमने एक को सिलेक्ट किया था तो एक जगह जीरो आ जाएगा ये सॉल्व होके, ठीक है, वो सॉल्व करके देखेंगे अभी जीरो आएगा कि नहीं, तो जीरो आ जाता है। अब जीरो के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो ही तो सबसे छोटा है, ठीक है, ये कोई भी नंबर है, मान लो ये दो आ गया लेट सपोज, ठीक है, अगर ये दो आ गया तो यहाँ पर जीरो क्या है, ये स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव है, यही हमारा स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो इस केस में स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव जीरो है तो हमें एरो मारना पड़ेगा इसके सामने। अब अगर हम जीरो वाले जीरो को स्टार्ट करें, ठीक है, जीरो वाले से अगर हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे ना सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था हमारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी द सेम एज, तो इन नेक्स्ट टेबल, इन नेक्स्ट टेबल, ठीक है, इन नेक्स्ट टेबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी सेम एज द प्रीवियस वन, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू थी जेड की, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जो वैल्यू ऑफ जेड होती है, ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड है हमारा मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन के केस में, वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी जैसी प्रीवियस टेबल में थी, सेम एज द प्रीवियस टेबल, ठीक है, एक मिनट रुकना बस, एक मिनट, हेलो, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, बाद में आऊँगा। देखो यानी कि सेम एज द प्रीवियस टेबल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो हमने क्या करा, एक को सिलेक्ट कर लिया इनमें से, ठीक है, एक को सिलेक्ट करके हमने सॉल्व करा तो अगली वैल्यू जीरो आनी है यहाँ पर, अब जीरो आएगी तो जीरो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जीरो वाली जब रो को सिलेक्ट करके हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, तो नेक्स्ट टेबल बनाने के केस में क्या होगा, मैक्सिमम जो जेड की वैल्यू थी वो सेम आएगी जैसे प्रीवियस टेबल में थी, यानी कि इस वाले टेबल में जितनी जेड की वैल्यू थी, यहाँ पर जो जेड की वैल्यू थी मैक्सिमम, ठीक है, जो सी जे माइनस जेड जेड जे होता है जो हमारा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी मान लो यहाँ पर 30 थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, नेक्स्ट टेबल में भी हमारी क्या आएगी, 30 ही आएगी, यहाँ पर भी हमारी मैक्सिमम जेड की वैल्यू जेड जे की वैल्यू 30 ही आएगी, ठीक है, चाहे वैल्यू डिफरेंट आ रही हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम आएगी, यानी कि यही सॉल्यूशन डीजनरेट हो गया, ठीक है, इसी को कहते हैं डीजनरेसी का केस, है ना। देखो और इसमें क्या होगा, अगर हम लगातार करते जाए सॉल्व, अभी तो सॉल्व तो होते जाएगा ये लगातार, मतलब लगातार जैसे इधर जीरो सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू आ गई कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसे लगातार सॉल्व होते जाएगा, ठीक है, और सॉल्व करते जाए अगर हम, तो इन सिक्वेंस टेबल, अगर हम सिक्वेंस में सॉल्व करते जाएँ सिक्वेंस टेबल, ठीक है,
देखो सीक्वेंस टेबल में क्या होगा, वी में अगर हम लगातार सॉल्व करते जा रहे हैं उसी को पकड़ के, ठीक है, तो वी में इवेंचुअली रिटर्न टू द फर्स्ट टेबल, तो हमारी ना पहली वाली टेबल आ जाएगी, यानी जहाँ पर हमारे को ये वाली टेबल जो है हमारी, ठीक है, ये वाली, अरे कहाँ गया, सॉरी, ये वाली जो टेबल है, ठीक है, ये वाली टेबल पे हम दोबारा पहुंच जाएंगे अगर हम लगातार सॉल्व करते जाएंगे वैल्यूज अलग अलग आके आके भी सेम वही टेबल बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इसी को कहते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको कहते हैं साइकिलिंग, यही हमारी साइकिलिंग है, ठीक है, साइकिलिंग की डेफिनेशन है यही। तो वी में इवेंचुअली रिटर्न टू फर्स्ट टेबल इन द सीक्वेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइकिलिंग, इसी को अपन साइकिलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वैल्यू है वो सेम आती रहेगी, किसकी, जेड की, ठीक है, जेड की वैल्यू सेम आती रहेगी। और इस केस में हम, इस केस में क्या होता है, ठीक है, तो वी में नेवर ऑब्टेन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, इस केस में हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है, यानी ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, या कह सकते हैं कि दैट इज ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी ऑप्टिमम वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है भाई। तो मैंने इसमें क्या बताया, यही थोड़ा बड़ा केस था, ठीक है, इसके अंदर डीजेनरेसी बता दिया मैंने, यानी कि अगर मान लो रेशियो वाला जो कोशेंट है अगर ये दोनों टाई हो जाए, ठीक है, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव बनने के लिए, तो इसमें हम किसी को भी चूज़ करके सॉल्व करेंगे। पहले तो किसी को भी चूज़ करके सॉल्व करने पर क्या होगा, दूसरा जो क्वेश्चन था रेशियो वाले कॉलम का वो जीरो हो जाएगा। अब जीरो होने के केस में क्या होगा, जब हम फर्दर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी पिछले टेबल जैसी, ठीक है। अब अगर उसके बाद भी हम सॉल्व करते जाए, हम सोचे कि मतलब हो सकता है और अच्छा सॉल्यूशन आए, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, हमारी जेड की वैल्यू जो है वो सेम आती जाएगी। और अगर हम लगातार करते जाएंगे तो सीक्वेंस में क्या होगा, दोबारा से हम वहीं पहुंच जाएंगे, वी मे रिटर्न टू द फर्स्ट टेबल इन द सीक्वेंस। तो जो हमारी सीक्वेंस की फर्स्ट टेबल थी, है ना, जहाँ से हमने ये जीरो प्राप्त किया था, जहाँ पे हमने सबसे पहले, तो उधर ही पहुंच जाएंगे, और इसी को कहते हैं साइकिलिंग, ठीक है, ये साइकिलिंग का केस है। और साइकिलिंग के केस में हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, यानी कि ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज जेड, तो जेड की जो ऑप्टिमम वैल्यू है वो कभी आती ही नहीं है, समझ गए। तो ये सारे केसेस थे जो कन्फ्यूज़न करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, कि स्लैक वेरिएबल क्या है। उसके बाद हमने सरप्लस वेरिएबल देखा, फिर उसके बाद हमने सॉल्यूशन के टाइप्स देखे कि सॉल्यूशन क्या है, फिर उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, बेसिक सॉल्यूशन क्या है, और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर शैडो प्राइस के बारे में, शैडो प्राइस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टाई हो गई अगर एंटरिंग वेरिएबल में तो कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि टाई हो जाए अगर डिपार्टिंग वेरिएबल में तो कैसे करेंगे, और डीजेनरेसी का केस क्या है, और साइकिलिंग क्या है, ठीक है, ये सब करा। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, इन सब पे, ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ठीक है, एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो बुक ले लेता हूँ मैं ज़रा, सबसे पहले बात करेंगे शैडो प्राइस की, ठीक है। हाँ, मान लो हमारे पास ऐसे दे रखा है सीजे, और ये हमारा बेसिक वेरिएबल, ठीक है, एक्स वन एक्स टू, ठीक है, ये हमारी सॉल्यूशन की टेबल आ गई है, मान लो हमने सॉल्व करके ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, फाइनल टेबल बता रहा हूँ।
और इनका ये मान लो इसका कोफिशेंट 4 है, इसका 0 है, यहाँ पर x1 x2 s1 s2 ठीक है, इनके कॉफिस यहाँ पर 1 1 1 0 1 0 माइनस 1 1 और यहाँ पर हमने लिख दिया रेशियो, या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इधर भी लिख सकता हूँ, ये रेशियो नहीं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन वैसे इधर लिखता हूँ तो इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मान लो 6 है, ये 2 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जब हम जेड जे निकालेंगे, ठीक है, जेड जे निकालेंगे देखो, यहाँ पर जब जेड जे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो 6 4 जै 24, 0 को इससे करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर जेड जे कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा क्या आएगा, तो 4 एकम 4, ये 0 को 0, ये वाली लाइन तो 0 ही है सारी। ठीक है, फिर इधर भी क्या आएगा, इधर भी आएगा 4, इधर भी आएगा 4 और इधर आएगा हमारा 0। अब यहाँ पर क्या निकालते हैं, तो सी जे माइनस जेड जे। ठीक है, अब इनके कोफिशेंट तो 3 4 0, मान लो इधर, हाँ इधर के कोफिशेंट नहीं लिखे क्या, ठीक है लिख देता हूँ, इसके 3 और 4 और 0 और 0 ऐसे है। ठीक है, अब निकालते हैं इसको, तो देखो ये तो ऐसे रह जाए, 3 में से 4 गया तो -1, 4 में से 4 गया 0, इसमें से गया तो -4 और इसमें से गया तो 0। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास हम कह सकते हैं, पहली बात तो क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा पहला, मान लो वेदर दिस इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन है मान लो, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे सिंस सी जे माइनस जेड जे रो हैज ऑल एंट्रीज 0 और नेगेटिव। ठीक है, या तो 0 है या तो नेगेटिव है। ठीक है, देयरफोर वी कैन से इट इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यानी ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो है, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये 0 है, ये नेगेटिव है, ये 0 है। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो है। अब इसके अंदर हमें पूछता है कि यहाँ पर शैडो प्राइस है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है किसकी देखनी होती है हमें, ये वाले की, बेसिक वेरिएबल की। ठीक है, तो बेसिक वेरिएबल की वैल्यू अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, -4 है। तो यहाँ पर जो S1 है हमारा, उसका शैडो प्राइस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, ये हमारा शैडो प्राइस है, शैडो प्राइस 4 S1, ये S1 का शैडो प्राइस है हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम देखें, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो मैंने बताया यहाँ पर शैडो प्राइस 4 कंस्टेंट 1 इज 4, क्योंकि देखो जो हमारी ये वाली रहती है, अरे ये कहाँ पहुंच गया, ये है जो हमारी, ठीक है, ये जो S1 ऐड करते हैं, ये कौन से कंस्टेंट में ऐड करते हैं, फर्स्ट में, S2 कौन से में ऐड करते हैं, सेकंड में, तो यानी कि फर्स्ट कंस्टेंट का बता रहा है ये प्राइस। ठीक है, तो शैडो प्राइस फॉर कंस्टेंट 1 इज 4, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स, इसका अर्थ जानना जरूरी है। ठीक है, दिस मीन्स दैट
वी कुड इनक्रीज, ठीक है, द जेड यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को और बढ़ा सकते हैं अभी, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं जेड को बाय 4 इफ वी हैड एन एडिशनल यूनिट ऑफ दिस कंस्टेंट। तो जो भी हमारा कंस्टेंट है, मान लो मैन आवर्स है या फिर मशीन है या फिर वुड है, जो मर्जी है, ठीक है, तो उसका अगर हमारे पास कोई एडिशनल यूनिट होए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 4 से और बढ़ा सकते हैं, किसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है, दिस कंस्टेंट, यानी 4 से और बढ़ाया जा सकता है अभी, ठीक है, कैपेसिटी है, समझ गए। तो अगर हम सेकंड मशीन की बात करें, यहाँ पर सेकंड मशीन, मशीन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है, 10वां नंबर, ठीक है, तो इसमें सेकंड कंस्टेंट की बात करें तो सेकंड कंस्टेंट का क्या शैडो प्राइस 0 है, तो 0 तो लिखो ही मत, ठीक है, यानी कि उसमें अगर हम एक भी मैन आवर जोड़ दें, यहाँ पे ये मान लो मैन आवर थे, ठीक है, तो यानी एक एडिशनल मैन आवर लगाने पर भी यहाँ क्या होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसमें, इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे, यहाँ पर हम अगर एक एडिशनल आर जोड़ें तो कितना मिलेगा, तो 4 बढ़ जाएगा, यानी 28 हो सकता है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एडिशनल आर जोड़ दें तो हमारे को कोई फायदा नहीं होगा, दैट्स वाई वी विल इग्नोर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा रहेगा कि मतलब बताइए क्या मैनेजर को एडिशनल मैन आवर लगाना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ से चेक करके बताएंगे, शैडो प्राइस चेक करके बताएंगे। तो इसमें शैडो प्राइस 4 था, इसलिए हम यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं कि लगाओ, ठीक है, और वो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो अगर हमें 4 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को हम कह सकते हैं कि 4 रुपये अगर हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, 4 रुपये बढ़ जाएगा हमारा, तो हमारा जो कॉस्ट होना चाहिए उसका, एक एडिशनल आर का, वो कॉस्ट भी कितनी होनी चाहिए, एक मिनट बस बैटरी लगा, देखो, तो यानी कि कॉस्ट भी कितनी पे करेंगे, मैक्सिमम 4 रुपये ही पे करेंगे, 4 से अगर कम होगी तो बढ़िया है, ठीक है, लेकिन 4 से ज़्यादा तो हम बिल्कुल पे नहीं करने वाले, ठीक है, तो ये हमें बताना होता है। तो ये आप आई होप सो समझ गए होगे आप सभी, ठीक है, कि शैडो प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करना है और बताना क्या है उसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाई के केस की, कि जब टाई हो जाए तब क्या करना है, ठीक है, तो टाई पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए, तो टाई पर क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज जेड, ठीक है, 80x प्लस में 100x2, 80x1 प्लस में 100x2, ऐसे करके एक क्वेश्चन है, देखो, और इसमें हमें कंस्टेंट दे रखे हैं, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 20x1 प्लस में 30x2। अब आप लोग बताओ ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन का केस है, तो लेस देन इक्वल टू होगा, ये 3 दे रखा है, और सेकंड इक्वेशन है 60x1 प्लस में 40x2, ये लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है, और यहाँ पर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, xy r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ गए। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और इसमें इसका पूरा सॉल्यूशन करना है, देखते हैं फिर कौन कौन से केसेस आते हैं, कि मतलब टाई कहाँ पे होता है कहाँ पे नहीं होता, ठीक है, देखो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे स्लैक वेरिएबल, है ना, टू रिमूव इनइक्वालिटी,
इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स, स्लैक वेरिएबल्स को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारी, मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमम जेड इक्वल टू एट्टी एक्स वन प्लस में हंड्रेड एक्स टू, दो इक्वेशन है तो दो स्लैक वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर देंगे, एस वन प्लस में एस टू, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स 20x1 प्लस में 30x2, पहले वाले में होगा s1 ऐड तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1s1, और यहाँ पर s2 की वैल्यू क्या है, 0 है तो 0s2, और ये हो जाएगा इक्वल टू कंस्टेंट, ओ सॉरी 3, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले को करेंगे 60x1 प्लस में 40x2, और यहाँ पर प्लस में ये सेकंड इक्वेशन है तो यहाँ पर फर्स्ट जो वेरिएबल है सिलेक्ट वेरिएबल वो 0 होगा और सेकंड वाला होगा 1, s2 और 4, ठीक है। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन लगा देते हैं, x1, x2, s1, s2 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना होता है, अब हमें लिखना पड़ता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने बताया था आप लोगों को वो कैसे लिखना होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं यानी x1 x2 है उनको क्या करेंगे, 0 मान लेंगे, तो x1 हमारा 0, x2 हमारा 0, और जो स्लैक वेरिएबल्स है उनको इन वाली वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो यानी कि s1 हो जाएगा हमारा 3 और s2 हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ये लिख दिया हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं। देखो यहां पर सीजे, यहां पर बेसिक वेरिएबल होता है सॉल्यूशन x1 x2 s1 s2, और इधर रेशियो, ठीक है। अच्छा हाँ, ये उल्टा लिख दिया थोड़ी, सॉल्यूशन x1 x2 s1 s2, ठीक है। यहाँ पर पीछे वाली इक्वेशन देखेंगे, पिछला पेज कहाँ से आता भाई, देखो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी, तो हमारे पास s1 है s2 है, इधर 0 उनके कॉफिशेंट है, सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन में था हमारे पास 3 और 4, बाकी चीज़ें भी ऐसी भर देंगे, ठीक है। तो 20, 30, 20, 30, 1, 0, 0, 1, ठीक है, 60 और 40, ये था। अब यहाँ पर क्या निकालते हैं, zj निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे करेंगे तो पहली बार में तो 0 ही आना है, ये भी 0 आएगा, सब 0 ही आएंगे पहली बार में, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे cj-zj, देखो यहाँ पर वेरिएबल लिख देता, ये लिखना भूल गया, 80, 100, 0, 0, देखो
80 में से 0 गया तो 80 बचेगा, 100 में से 0 गया तो 100 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 और 0 का 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो इसके ऊपर लगाएंगे एरो। ये वाला कॉलम हो गया की कॉलम। अब क्या करेंगे, की कॉलम से सॉल्यूशन को डिवाइड देंगे, ठीक है, रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/30, 3/30, और यहाँ पर आ जाएगा 4/40, 4/40, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी 1/10 आएगा। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो रही है, टाई हो रही है, टाई, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, किसी को भी सिलेक्ट करके हम आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट करके हम सॉल्यूशन करते हैं आगे, ठीक है। तो हम टेबल नंबर 2 बना रहे हैं, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है 30, तो 30 हो गया हमारा की एलिमेंट, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस की एलिमेंट को क्या बनाना है, तो की एलिमेंट को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए पूरी पूरी जो रो है इसको किससे डिवाइड देंगे, 30 से, क्योंकि 30 को 1 बनाने के लिए 30 से डिवाइड देना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात तो ये हमारा S1 जो है, ठीक है, ये S1 क्या करेगा, ये डिपार्ट करेगा, डिपार्टिंग वेरिएबल कहेंगे इसे, डिपार्टिंग वेरिएबल। और ये जो X2 है, ठीक है, ये क्या करेगा, तो ये एंटर करेगा, दैट्स वाई दिस इज एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। वो डिपार्टिंग वेरिएबल था और ये एंटरिंग वेरिएबल है। देखो समझ गए एंटरिंग और डिपार्टिंग वेरिएबल कौन सा है। अब टेबल आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास S1 चला गया और X2 एंटर हो गया, तो X2 इधर आ जाएगा। इसका कोफिशेंट क्या है, 100 है, तो 100 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरे को चेंज करना पड़ेगा, तो 30 से डिवाइड देना है, तो 3/30 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, 20/30 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, 30/30 करेंगे ये आ गया 1, 1/30 करेंगे तो 1/30 आएगा, और 0/30 करेंगे तो ये तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर अब दूसरे में क्या रहेगा, S2 ही रहेगा, और इसका कोफिशेंट क्या है, तो 0 ही है। लेकिन इसको चेंज कैसे करते हैं, ये माइक ऑफ कर लो प्लीज, जिसका भी ऑन। देखो इसको चेंज कैसे करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रो माइनस में की कॉलम एलिमेंट इनटू में न्यू रो, ये था। अब हमें ये वाली रो निकालनी है, S2 वाली, ठीक है। तो S2 की ओल्ड रो ये रही, ये पूरी रो S2 की ओल्ड रो है, इसको उठा के इधर लिखेंगे, तो 4/60/40/01 माइनस का निशान सबके आगे, ठीक है। यहाँ पर क्या, की कॉलम एलिमेंट। अब जैसे इस ये की कॉलम, तो इस की कॉलम का एलिमेंट क्या है, 40 है, तो 40 लिखेंगे सब जगह, 40, ठीक है, इनटू न्यूरो क्या है हमारी, तो न्यूरो ये है हमारी 1/10, 2/3, ये सब, ठीक है। तो 1/10, 2/3, 1, 1, सो 1/30 और 0। आप सॉल्व करेंगे, ये आ गई हमारी वैल्यूज ऑफ S2, ठीक है। तो देखो 40 और ये 1/10 है, तो ये 10 एकम 10, 10 चौक 40, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/40 है, 40 × 2 = 80 और 6 × 3 = 18, 100, तो ये हो जाएगा 100/3, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 40 एकम 40, 40 में 40 = 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 40/30, यानी कि कह सकते हैं 4/3, माइनस का 4/3 आ रहा है,
इसको एक में से जीरो घटाएंगे तो एक ही आएगा। अब इसको उठा के क्या कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो तो यहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा जीरो है, फिर हमारा 100/3 है, और फिर हमारा जीरो है, फिर -4/3 है, और फिर हमारा 1 है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, जेड जे, ठीक है, तो जेड जे निकालेंगे, और जेड जे निकालने का तरीका ये x2 है हमारा, ठीक है। 100 × 1/10, तो यहाँ पर 100 × 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व, तो 100 × 2/3 करेंगे तो यहाँ पर 200/3 आ गया। 100 × 1 तो 100, यहाँ तो देखो यहाँ क्या है बेसिकली, ये जो ये कोफिशेंट है ये तो जीरो है, तो सब जगह यही आना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100/30, और 100/30 यानी कि 10/3, और 100 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आना है, ठीक है, और इंटू करेंगे सॉरी 0, ओके, हाँ 100 × 2 100 × 0, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे से मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या निकालना पड़ता है, CJ − ZJ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू है, 80, तो 80 में से 200/3 जाएगा, ठीक है, 80 में से 200/3 जाएगा तो बचेगा 40/3। अब ऐसे ही 100 में से 100 गया तो इधर बच गया 0, 0 है इधर, तो 0 में से 10/3 जाएगा तो -10/3, और इधर 0 है तो इधर भी 0 0, ठीक है भाई। अब इधर हमें पता है कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन जब अराइव होता है, जब या तो सारी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए या नॉन नेगेटिव, मतलब 0 हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन हुआ है क्या, नहीं हुआ अभी, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर लगा देंगे एरो, और ये हो गया हमारा की कॉलम। अब क्या करना होता है, रेशियो बनाना है, ठीक है, तो रेशियो बनाएंगे। रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड देना है, इसको इससे डिवाइड देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/10, ठीक है, डिवाइड में 2/3, तो 1/10 डिवाइड बाई 2/3 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा, 3/20, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 3/20 आएगा, 3/10 आएगा, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास है 1/10, 1/10 को अपन किससे डिवाइड देंगे, 2/3 से, तो 1/10 को 2/3 से डिवाइड देंगे, हाँ ये आ जाएगा हमारा 3/10, ठीक है, 3/10 आ गया। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 0 को अगर हम इससे डिवाइड देंगे, 0 को किसी भी संख्या से 0 डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। अब इस केस में हमको क्या चुनना पड़ता है, मिनिमम पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव 3/10, और 0 में से क्या है तो 0 है, तो 0 को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, और ये वाला जो है हमारा 100/3 ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है भैया की एलिमेंट, ये हमारा की एलिमेंट है, ठीक है। अब की एलिमेंट के हिसाब से डिपार्ट करते हैं, तो यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा, एंट्रिंग, और s2 क्या हो जाएगा, डिपार्टिंग। तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, टेबल नंबर थ्री, दो बनाई चुके हैं पहले, देखो पूरा लिख देता हूँ इस बार भी, CJ − ZJ बेसिक वेरिएबल, ठीक है, और ये हो गया सॉल्यूशन, x1 x2 s1 s3, इधर हमारे पास क्या क्या है, 80 100 0 0, इधर आता है रेशियो, ठीक है। हमारे पास की एलिमेंट क्या आया था, की एलिमेंट आया था 100/3। अब यहाँ पर हमारे पास पहले क्या था,
एक मिनट रुको, बस पेज कहाँ चले गया वो। देखो तो हमारे पास इधर क्या था, सबसे ऊपर क्या था, इधर था एक्स वन और जगह ले ली थी एक्स टू ने, तो एक्स वन का कोफिशेंट 80 इधर लिखेंगे, एक्स टू का कोफिशेंट 100 इधर लिखेंगे। रेशियो की बात करें तो यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था इसका, ठीक है। तो हमें की एलिमेंट जो ये 100/3 था इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100/3 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब 0 को 100/3 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा इधर, तो इसीलिए 0 लिख दिया। अब 100/3 को 100/3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा इधर, ठीक है। और वहाँ पर हमारे पास क्या था, आगे भी 0 था, तो 0 को 100/3 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो 0 को 100/3 से डिवाइड देने पर क्या आएगा, तो 0 आएगा। आगे क्या था, तो इधर था 1/4/3, 4/3 को डिवाइड देंगे किससे, 100/3 से, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4/100 आ रहा है, तो 4/100 का मतलब -1/25, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या था, S3 के 1 था, वो पता नहीं पेज आ ही नहीं रहा, वो तुम्हें दिखा था आपको, ठीक है। तो 1 था तो 1 को डिवाइड देंगे 100/3 से, तो ये हो जाएगा 3/100, तो इधर आएगा 3/100। अब नई वैल्यू निकालनी है, नई रो निकालनी है, ठीक है। तो नई रो कैसे निकालते हैं, देखो नई रो निकालेंगे उसके लिए ओल्ड रो उठाएंगे। तो ओल्ड रो हमारी जो पिछली टेबल में थी वो थी 1/10, 2/3 किसकी, एक्स वन की निकाल रहे हैं, ठीक है। 2/3, 1/30 और 0, यही थी, ठीक है। माइनस 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 माइनस, की कॉलम एलिमेंट लेना होता है, तो की कॉलम एलिमेंट था हमारा 2/3। गया कहाँ यार, इस पता नहीं चल रहा, एक मिनट रुकना। हाँ ये रहा, देखो ये रहा, तो इसके अंदर हमारा ये 100 है, ये 2/3 था, ये की कॉलम एलिमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज कहाँ से आएगा, यहाँ से, चला गया यार, एक मिनट रुको। कोई नहीं, अब इसी में सॉल्व कर लेते हैं, देखो दोबारा से कर लेते हैं इसी के नीचे जस्ट। तो हमारे पास ये एक्स टू है और ये एस टू की जगह क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वन और इनके ये रहे इनके वैल्यू 80 और 100, ठीक है। तो इधर आएगा, इधर आएगा हमारा 80 और इधर आ गया हमारा 100। अब यहाँ पर एक्स वन इधर आया है, तो 100/3 से पूरी रो को डिवाइड देंगे, 0 को डिवाइड देंगे तो 0, 100/3 से 100/3 को डिवाइड देंगे 1, 0 को डिवाइड देंगे तो 0, और 4/3 को डिवाइड देंगे 100/3 से, तो 4/3 को 100/3 से डिवाइड देने पर आएगा माइनस का 1/25, 1 को डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 3/100, ठीक है। अब नई रो निकाल रहे हैं, कौन सी, एक्स टू की। तो एक्स टू में हम नई रो कैसे निकालेंगे, देखो नई रो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रो उठाएंगे सबसे पहले, तो ओल्ड रो ये रही, तो 1/10, 2/3, 1/30, 0, फिर सब में से माइनस 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 माइनस, क्या माइनस करेंगे, तो की कॉलम एलिमेंट, की कॉलम ये रहा और इसका एलिमेंट ये रहा, तो 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, इनटू क्या करेंगे,
इनटू करेंगे नई रो, नई रो कौन सी, ये वाली एक्स वन की। तो जीरो वन जीरो माइनस वन बाय 25, थ्री बाय 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, देखो इसको जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो हो गया हमारा 1/10, ये तो 1/10 ही आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 में से 2/3 जाएगा, तो 2/3 में से 2/3 जो आएगा तो जीरो, वन में से माइनस का 2/3 ये हो सॉरी, वन में से जीरो जाएगा तो वन, 1/30 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/30, 1/30 प्लस में 2 1 जा 2 और 25 दिया 75। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 75 एकम 75, 30 दूनी 60, 6 7 13 135, ठीक है, 135/75, 150 हो जाएगा एलसीएम, तो 3/5, 3/50 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जीरो में से इसको सॉल्व कर, ये 3 है हमारा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2/100 है, तो 2/100 को हम लिख सकते हैं माइनस 1/50। अब इसको लिख देंगे उठा के इधर, तो सबसे पहले हमारी इधर है माइनस 1/10, इधर है जीरो, इधर है वन, और इधर है हमारे पास 3/50, और इधर है हमारे पास -1/50, ठीक है। अब वही निकालेंगे अगेन, देखो क्या निकालेंगे, जेड जे, तो जेड जे निकालने का तरीका 80 × 1/10, दैट विल कम टू 8, ठीक है, सॉरी इधर 80 क्यों लिख दिया, x2 का तो 100 है, रुकना एक बारी, हाँ x2 का 100 है, ये थोड़ा गलत लिख गया, इधर 100 है, ठीक है, और इधर 80 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इनटू करेंगे इसको तो 10 हो जाएगा, इसको इससे इनटू करा तो 0, 80 एकम 80, इसको इससे करेंगे तो 100, इसको इससे करेंगे तो 50 दूनी 100, और कितना आ रहा है, इन दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर करता हूँ मैं कोने में, तो यहाँ पर 100 × 3/50, तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो ऊपर तो 6 आ रहा है, और नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 80 × 1/25 है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 16 5 80, ठीक है, 16 एकम 16 16/5, तो इसमें ऐड करेंगे 16/5, तो 6 5 30 और 10 40, 6 46 46/5, ठीक है, तो ये आ रहा हमारा 46/5, ये कुछ गलत हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, 50 × 100 2 3 6, ठीक है, 80 को इंटू करेंगे 80 एकम 80, 80/25, 80/25 को सॉल्व करेंगे, अच्छा माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस का है ना, तो माइनस का आएगा इधर निशान, 6 5 30 30 में से 16 जाएगा तो बचेगा 14, ठीक है, सॉरी तो 14/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का है, तो 50 × 100 माइनस का दो प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो 80 × 3/100, तो दैट विल कम टू 80 दिया 240 और बटे में 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 2 9 24 और 2 5 10, तो 5 2 9 10 माइनस का 10 और 12, तो 2/5, 2/5 यहाँ निकालेंगे सी जे माइनस जेड जे, ठीक है, सी जे माइनस जेड जे निकालेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कोफिशेंट क्या है हमारा, ऊपर ये कोफिशेंट 80 है, 0 है, 80 100 0 0, ठीक है, तो 80 में से 80 गया तो 0, 100 में से 100 गया 0, ठीक है, और 0 में से -1 14/5 जाएगा तो -14/5 बचेगा, और इधर -2/5 बचेगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज क्या है, सिंस ऑल द एंट्रीज इन सी जे माइनस जेड जे रो ऑफ
टेबल थ्री वी कैन से ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैव बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया हमें, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज क्या है, जीरो है, जीरो है, और -14/5 और -2/5 है। अब यहाँ पर हमें नोटिस क्या करना था, सबसे पहले यहाँ पर ये वैल्यूज टाई हुई थी, ठीक है, टाई होने पर हमने कोई सी वैल्यू सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर अगली जब हमने टेबल बनाई तो उसके अंदर रेशियो देखो, यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है। अब जीरो आने की वजह से हमारा जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वैल्यू थी क्या थी, 10 थी। जब हमने नेक्स्ट टेबल बनाई उसके अंदर यू कैन सी दोबारा क्या आ गई, 10 आ गई। तो मतलब यहाँ पर क्या है, डी जनरेसी का केस है, ठीक है, यहाँ पर जीरो आ गया। अगर हम इसको और सॉल्व कर पाते, ठीक है, और सॉल्व कर पाते तब भी ये 10 ही आती। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दिस इज द केस ऑफ डी जनरेसी, ठीक है, इसी को कहते हैं डी जनरेसी, समझ गए। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस तरह से, और डी जनरेसी आप, आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसी है, डी जनरेट प्रॉब्लम है, डी जनरेट प्रॉब्लम, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज डी जनरेट प्रॉब्लम, ठीक है, ये डी जनरेट प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आई होप सो ये समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया आज, और आज मैंने मतलब ये दूसरी ऐप यूज़ करी है तो इसमें थोड़ा साफ सा लिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी सब में पता नहीं क्या इधर उधर पेन चलता है। तो इसमें ये नोट्स भी भेज दूँगा मैं, साफ ही दिख रहे हैं, मेरे को पता नहीं है अभी सही से यूज़ करने नहीं आता ना, इसलिए अभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा ये रही मिल गई, अब मिल गई, चलो कोई नहीं, सीख जाऊँगा, ठीक है गाइस। तो समझ आ गया हो तो बताओ, और कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है, और ये वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं कुछ देर में, तो जिन जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लिया करो यार, तुम में से ही तो हूँ मैं भी, ऐसा क्या शर्माना, ठीक है, पूछ लिया करो, शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है कोई। और मुझे लग रहा है कि मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, फिर मैं यही मानूंगा अगर कुछ बोल नहीं रहे हो तो, ठीक है, कि स्लैग वेरिएबल पता चल गया होगा होता क्या है, और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद शैडो प्राइस क्या होता है, ठीक है, और टाई हो जाए जब तब क्या करना है, और साइकिलिंग किसको कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा डी जनरेसी का केस क्या है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी, और इससे पहले की क्लास में हमने क्या कर लिया था, डुअलिटी कर लिया था, डुअल प्रॉब्लम, ठीक है, और कन्वर्जन भी कर लिया था कि डुअल को प्राइमल में कैसे करते हैं, प्राइमल को डुअल में कैसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लेंगे, फिर हमारी ये LPP वाली जो यूनिट है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक यू।